इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन वाले कोरोना वेरिएंट की भारत में भी एंट्री हो गई है। अभी तक 3 लोगों के कोविड-19 के इस नए वेरिएंट BF.7 से संक्रमित होने की खबर है। समाचार एजेंसी PTI के अपडेट के मुताबिक एक मामला गुजरात के वडनगर का है, महिला NRI बताई जा रही है। BF.7 ने चीन में भारी तबाही मचाई हुई है। कोरोना के जो 3 मामले मिले हैं उनमें से 2 गुजरात और 1 केस ओडिशा से संबंधित है। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत में चीन के नए वेरिएंट BF.7 की एंट्री हो चुकी है। गुजरात में 2 केस और ओडिशा में 1 केस मिला है। चीन में सख्त जीरो कोविड नीति को वापस लिए जाने के बाद संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। द इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के संक्रमित होने की दर और अन्य परिस्थितियों की स्टडी के आधार पर लगभग 15 लाख चीनी नागरिकों की मौत की आशंका जताई गई। ये आंकड़े अन्य हालिया आंकड़ों से भी मेल खाते हैं, जिनमें द लॉन्सेट पत्रिका की पिछले सप्ताह की एक रिपोर्ट भी शामिल है।